तीन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, एक किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ दो काम और उसके, एक समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यवहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी है, लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उप समिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामजीलाल सुमन। समिति विचार करेगी, बैठक होगी, ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा। सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई देना देना नहीं। प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 1966 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए आप, बचिए मत, आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मंत्री जी, मंत्री जी, एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोलर सपनऊ मोहिन बाबा। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है और मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा। अरे आपको डिस्टर्ब करते हो, रामजीलाल जी एक बार बैठिए, आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, बीच में मत रोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हम उपाय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का वृद्धिकरण और प्राकृतिक खेती, अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम है, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, मटर के 4300 थे, हमने किए 7550, ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिप्लाइंग, लेट हिम कंप्लीट, अपने क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए, इन्होंने आप पूछा तो क्या नहीं, रणदीप जी कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए, रामजीलाल जी बैठिए, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक, जब समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं, हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 7000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का,
सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है, और माननीय सभापति महोदय 1,68,000 करोड़ रुपया पलटीदार दर पर सब्सिडी सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं, और भी विचार आवश्यक है उस पर। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, एम सनमुगम। रणदीप सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। रजनी अशोक राव पाटिल, राजीव शुक्ला, प्लीज टेक योर सीट। एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनिए मेरी बात, बैठिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, एक बार चुप रहिए। रणदीप सुरजेवाला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आई हियर बाय नेम रणदीप सुरजेवाला, आई हियर बाय अबाउट टू नेम यू, आई विल नेम यू। Please, all of you take your seat. Honorable members, what is this? I am standing. Please, what is happening? Absolute silence. कमाल की बात है, इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं। सुने, आप आकर देखिए, ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप? किसान की सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए। आप भी चुप रहिए, प्लीज। रजनी अशोक राव पाटिल, टेक योर सीट, प्लीज। ऑनरेबल, प्लीज लिसन टू मी। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का कैसा नहीं पता है? नहीं पता आपको किसान का। मेरा यह कहना है, सुनिए, माननीय मंत्री जी ने, बैठे, रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए। ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहां गायब हो गए। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है, उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। हाथ खड़े खड़े, पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठना, आई नॉट गिव परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं, जायजे मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे ना। माननीय मंत्री जी, सन्मुगम जी, थर्ड सप्लीमेंट्री, सन्मुगम जी प्लीज। ओनली व्हाट मिस्टर सन्मुगम सेड विल गो ऑन रिकॉर्ड, एंड इफ एनीवन राइजेस नाउ, हैव इट फ्रॉम मी, आई विल नेम अ पर्सन, आई
किसान के मामले में चर्चा कीजिए प्लीज, फॉर हेवन सेक अन्नदाता की इज्जत कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत कीजिए। आप प्लीज अपना सप्लीमेंट्री पूछिए, मैं जानता हूं आप भी आदमी है, अच्छी सप्लीमेंट्री पूछेंगे और मंत्री जी जवाब देंगे प्लीज। सर टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी इज अ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन इन द कंट्री। यस इट इज अ वेरी लॉन्ग बेंडिंग डिमांड दैट टी एंड कॉफी शुड बी इंक्लूडेड इन द एसेंशियल कमोडिटीज बिकॉज देयर इज नो एमएसपी फॉर द टी एंड कॉफी। The grantors are all demanding this one. What is the progress of this government regarding the inclusion of the tea and coffee? Very good, very good. Mantri ji, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और टी और कॉफी के किसानों के लिए बहुत सार्थक प्रश्न पूछा है। I appreciate the honourable member for focusing in a very constructive manner for welfare of the farmers and workers in both tea and coffee trade. Please, honourable Mantri. Question, माननीय सभा। मेरे पास है। मैं माननीय सदस्य की भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन एमएसपी अभी 23 फसलों पर दी जा रही है, ये विषय और चाय और कॉफी का विषय पीयूष गोयल जी का मंत्रालय देखेगा। मंत्री जी मैं एक बात और कहता हूं जी, मैंने सुनिए एक सेकंड जी, मैंने जब मंत्रालय का विभाजन हो गया तो माननीय पीयूष गोयल जी को आधिकारिक रूप से बुलाया और मैंने पीयूष गोयल जी को कहा कि आपके नीचे 1.5 दर्जन जो उपक्रम है उनमें ज्यादा कृषि से भी जुड़े हुए हैं और आपको ध्यान है टी बोर्ड का, कॉफी बोर्ड का, रबर बोर्ड का, अपेडा का किया और मैं वेलकम करूंगा सदस्यों से और इस विषय के ऊपर कोई प्रस्ताव आएगा आई विल हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस। और ये बहुत अच्छा सुझाव माननीय मेंबर ने उठाया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द मेंबर फॉर रेजिंग अ जेन्युइन पॉइंट इन फेवर ऑफ फार्मर्स, फॉर ट्रेडर्स, फॉर वर्कर्स, क्योंकि मैंने देखा चाय में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन और लोग करते हैं बाहर में, तो लेट अस कोऑपरेट लाइक दिस। तो माननीय मंत्री जी मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्रालय and Ministry of Commerce will get together and come back to this house in the next session what step they have taken with respect to the supplementary raised by the honorable member. Nothing will go on report. Mr. Pramod Tiwari ji, I will be forced to invoke my powers because Shakti Singh Goyal, yes please, I know you are finding an excuse to play politics and not to serve the farmer. No, you are not serving the farmer, you are doing injustice to farmer. I will not sadan mein but please, what is this, your people are disturbing. What is happening, we are having an important discussion. रणदीप सुरजेवाला सुनिए, आप आदत को बदलिए। आपसे ज्यादा किसानों में आपसे ज्यादा समझता हूं, किसान पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी कहते हैं सुनो मिस्टर, नथिंग यू कॉन्ट रिकॉर्ड यू कीप ऑन शॉर्टिंग नाउ यू शॉर्ट फॉर 5 मिनट्स आई सी टी। किसान की चर्चा है, आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, आप किसान का अनादर करिए, अन्नदाता के छुआ खोते हैं। Honorable members, I am constrained to name Shri Randeep Surjewala, Shri Shakti Singh Goyal. सुनिए, जो फांसी पर टांगने के काम करते हैं या किसान को फांसी पर टांग रहे आप, सरकार नहीं करने देंगे, किसान की सरकार नहीं करने देंगे, क्या करें? नथिंग के बॉन रिपोर्ट। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, मैं आंखों से देख रहा हूं। मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात करें। पहले बार एक मंत्री जी आकर किसान के हित की बात की है, जिससे किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना, प्लीज बैठ जाइए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए, प्लीज कह रहा हूं कि रणदीप सुरजेवाला ये संकेत देना चाहती हूं, मैं हितैषी हूं, हितैषी नहीं है, दुश्मनी निकाल देना।
छक्का नहीं होने दे रहे, दुश्मन निकाल रहे किसान, कीड़ा रह कर किसान से दुश्मन मत निकालिए, किसान से क्या बैर है आपका, किसान से क्या बैर है, किसान से क्या बैर है बताइए मुझे, तो चर्चा क्यों नहीं, आप तो 10 साल रहे हैं, आप तो शासन में 10 साल रहे हैं, 10 साल में भारत कर देगा कोई, छलांग लगा दी आपने, क्या बात करें, देखिए आप गिरिमान में देखिए, गिरिमान में झांके डोंट फोर्स में, मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ सकता है, किसान के मामले में, किसान के मामले में नहीं करने दूंगा, किसान की चर्चा होगी, डॉक्टर सस्मित पात्रा, ऑनरेबल मेंबर्स, एमएसपी कानून आई नेम रणदीप सुरजेवाला इज हियर बाय नेम, ही शुड इमीडिएटली विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस, प्लीज विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस, विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस, यू आर डायरेक्टेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस, नो फॉर कॉजिंग डिस्टर्बेंस फॉर कमिंग इन व्यू ऑफ डिस्कशन फार्मर्स, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, यस प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन ऑल ऑफ यू, सिट डाउन, व्हाट इज हैपनिंग, रणदीप सुरजेवाला इज हियर बाय नेम, ही इज रिक्वेस्टेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस, please, nothing will go on record, nothing will go on record, Ranjit Surjewala is named and he will need to withdraw, please, no, Ranjit ji, you are defying the chair, you are continuously defying the chair, नहीं आप डिफाई चेयर को कर रहे हैं, किसान इसकी चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, किसान की डिबेट को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, नहीं गलत बात है, यह पीड़ादायक बात है, और मैं कहूंगा यह ऐसा आसन नहीं होने, कैसे दे दे, मैं कह चुका हूं, प्लीज रंजीत जी प्लीज विड्रो, प्लीज प्लीज विड्रो, प्लीज विड्रो, प्रमोद जी प्लीज विड्रो, एक सवाल सप्लीमेंट्री चाहिए, एक से बैठिए बैठिए, अरे इनको बोलने दीजिए, नहीं आपके नेता हैं यहाँ, अरे आपके नेता हैं, इनको बोलने दीजिए, नहीं बाकी लोग बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, अरे रंजीत जी, रंजीत जी टेक योर सीट, रंजीत जी आप टेक योर सीट, टेक योर सीट, सब बैठिए, सर मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, आपने मुझे कहा ना, तो मेरा एक अनुरोध है कि सुरजेवाला जी को एक सवाल एमएसपी के बारे में, क्या लीगल शेप देंगे नहीं देंगे पूछने की जाकर दे दीजिए, कुछ बीमारी है, देख पीछे देखिए प्रमोद जी, पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, माननीय आप तो बहुत सीनियर हैं, महादेव की कृपा से, महादेव की कृपा से आप स्थान ग्रहण कीजिए, आपने कल महादेव जी का नाम लिया, महादेव जी की कृपा से किसान पर भी कृपा कीजिए, आपने अच्छा कि आप खड़े हो गए मेरे को महादेव जी की याद आ गई, सर आपने बहुत सही फरमाना कि आपने बहुत सही फरमाया कि महादेव जी के इनके ऊपर बहुत कृपा दे रहे हैं, उसका भुगतान उन्होंने चुनाव में भी बहुत बड़ी मंत्री जी देश के अग्रणी श्रेणी के नेता हैं, कृषि मंत्री जी को किसी की मदद नहीं चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी महादेव जी के इनके ऊपर बहुत प्लीज सर उनकी चिंता मत करिए, महादेव जी के इनके ऊपर बहुत कृपा है और उसके कारण उन्होंने चुनाव में बहुत नुकसान भी पाया, महादेव इनके साथ जुड़ा हुआ है और हर काम महादेव जी का नाम लेते हैं और बदनामी करते हैं, अध्यक्ष जी एक मिनट आपने सही फरमाया, ये सोची समझी रणनीति है, नंबर फोर ये सोची समझी रणनीति के हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं आप, आपके यहाँ पहले पूछा गया है, नो हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, नो नो आई विल नॉट बच, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे वाला एक सेकंड बैठिए, एक बार बैठेंगे आप कृपा करेंगे, एक सेकंड, कैन यू कीप क्वाइट प्लीज, प्रमोद जी ये कौन सा तरीका है कि जब एक आदमी सप्लीमेंट्री पूछता है मंत्री जवाब देते हैं और सुरजेवाला जी हवा खड़े हो जाते हैं, ये कौन सा सीन है, बैठिए एक बार बैठिए, दूसरा मैं सप्लीमेंट्री पूछते टाइम बहुत ध्यान रखता हूं कि हर वर्ग रिप्रेजेंटेटिव हो, अभी तो बाकी सप्लीमेंट्री,
नहीं, पर यदि अगर मैं व्यवधान करने वाले को प्रोत्साहित करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। आप मेरे को माफ कीजिए, मैं नहीं करूंगा। नो, आई विल नॉट गो अगेन। प्लीज बैठिए, प्लीज। नो वे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्लीज हियर द ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अधिकतम एमएसपी पर खरीद हुई थी, और इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द, ये जितनी किसान पैदा करेगा ये सरकार खरीदेगी। समृद्धि पोर्टल हमने बनाया, किसान रजिस्ट्रेशन करवाए, उसका पूरी उपज खरीदेगी। माननीय सभापति महोदय नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आंकड़े गवाह है कि जब इनकी सरकार थी तब खरीदी कितनी होती थी, और जब हमारी सरकार है तब कितनी खरीदी होती। माननीय सभापति महोदय, 2004-05 से 13-14 के बीच केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई, और ये सरकार थी 14-15 से लेकर 23-24 के बीच 69 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, ये घड़ियाली आंसू आ रहे हैं, गेहूं की खरीद 4-5 से 13-14 के बीच 11 करोड़ मीट्रिक टन थी, 33 करोड़ 38 लाख मीट्रिक टन हो गई। सभापति महोदय, अब सुनना पड़ेगा, दलहन की खरीद सप्लीमेंट्री गिनती नोट पर दूंगा, यहाँ मेरे परिवार के लोग हैं। माननीय सभापति, नॉट डू इट, आई विल नॉट बच, मेरे पास है, उस तरीके से देख कर करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैनर विच इज फेयर एंड इक्विटेबल, I don't encourage a person who rises every second, doesn't allow anyone to speak, does not have patience to listen to the honorable minister. The honorable, you, बच्चे की तरह जितने कुछ जरूरत थी, please don't do it. No, please. Nothing will go on record. I don't want to join this. I don't want to. What are you doing? मानी सभापति महोदय, nothing is going on record. Nothing. मानी सभापति महोदय, पूरी कर दे दीजिए. मंत्री जी, देश ध्यान से सुने। मंत्री जी, आप देश की जनता को सदन के माध्यम से जानकारी दीजिए। माननीय सभापति महोदय, दलहन की खरीद वर्ष 2004-05 से 13-14 तक केवल 6 करोड़ मीट्रिक टन थी, 6 लाख मीट्रिक टन, केवल 6 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़कर अब 1,67,00,000 मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, दलहन की खरीद जब इनकी सरकार थी केवल 50 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, ये बात, ये बड़ी बातें कर रहे हैं प्रमोद जी, धान की खरीद के लिए। प्रमोद जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को सुनिए। माननीय सभापति महोदय, देखिए किसान को, इनको क्या है कि कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि मैंने पार्टिसिपेट किया। अरे साहब, किसान का मामला है, कितना अच्छा सुझाव दिया। सुनिए, आज के प्रश्न का सबसे बड़ा फायदा है कि एक माननीय सदस्य ने चाय और कॉफी के बारे में इतनी गंभीर बात कही है, जिसका नतीजा निकलेगा। मैं सार्थक चर्चा चाहता हूँ। बैठिए, हाँ बैठिए, हाँ। माननीय सभापति महोदय, कपास की गांठ खरीदते थे केवल 36 लाख, हमने बढ़ाकर 31.17 लाख कपास की गांठ खरीदी है। और माननीय सभापति महोदय, संस्थागत ऋण इनके समय ऊंचे ब्याज की दरों पर मिलता था, केवल 7.3 लाख करोड़, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 25 लाख करोड़ संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित किसान केवल 78 लाख थे, अब बढ़कर 1,03,82,648 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, गेहूँ के खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे, जो 22,69,263 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर, यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूँ, इन्होंने
ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूके सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानी शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता और उन्होंने इनकार किया, स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री के बी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश किसी लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रासंगिक कारकों की गुणवत्ता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट का माननीय सभापति महोदय मैं रखता हूँ, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई तो एमएसपी उत्पादन की भारत औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा। एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबंधित घटकों की किस्त पर विचार करते बस्तीपूरक मानदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी में उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज कुछ उत्पादक हो सकता है, इसे स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पकड़ कर रखता हूँ, ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिनों रात काम करेंगे, कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हित ऐसी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। बंसीलाल गुर्जर आज का सप्लीमेंटरी। माननीय सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी से जैसे उन्होंने कहा है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2013-14 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी की गई और 2014-15 से 2024 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी हुई है? क्या सरकार ने देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हाँ तो तत् संबंधी ब्यौरा क्या है और अंत मंत्री क्या है? माननीय सभापति महोदय, बंसीलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 4-5 से 13-14 के बीच में केवल 6,29,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदी जाती थी और हमारी सरकार मोदी जी की सरकार 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीद रहे हैं, 25 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं। और आदरणीय माननीय सदस्य बंसीलाल जी ने कहा है कि विद्वान कृषक है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बार हमने तय किया है मसूर, उड़द और तुअर पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी। चिंता न करें, देश का किसान दलहन करे, हम खरीदने का काम करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, फर्दर जनरल डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट 2024-25 एंड द बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024-25। कितनी विचित्र बात है, किसान की चर्चा हो रही